बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारायण आप सबका स्वागत करती हूं एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे जाके या एस्ट्रो तक की ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से और फेसबुक पे सुनिधि मेहरा नारंग के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है बालों के बारे में। अब जो हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें जो हमारे बाल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है बालों के झड़ने का, कि बहुत ज़्यादा लोगों को बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, कि गंजापन आना शुरू हो गया है, या बाल बहुत पतले हो गए हैं, या बाल बहुत रफ हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे वो टेक्निक्स की, उन उपायों की, मुद्राओं के थ्रू, कि आपको क्या करना चाहिए कि जो आपके बाल हैं वो स्ट्रांग रहें, रूट स्ट्रांग रहें, जो बालों को झड़ना कम हो जाए, जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं वो कम हो जाए, वापस जो ग्रोथ है वो आनी शुरू हो जाए। तो अब कोविड के कारण भी जिन लोगों को कोविड हुआ है उन लोगों ने में भी खासकर देखा गया है कि उनके बाल जो हैं कोविड के बाद बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए हैं। और या वैसे भी आजकल का खाना पीना हमारा इस तरह से है, या पोल्यूशन है, इन सब रीजंस के कारण एक हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो शुरू करते हैं कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। आज मैं आपको जो इसका उपाय, जो तरीके बताऊंगी वो थ्रू मुद्राएं बताऊंगी कि ये मुद्राएं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, और अगर आप इन्हें करते हैं, यकीन मानिए आपके बालों की जो प्रॉब्लम है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब ऑब्वियसली कई बार बालों के झड़ने का रीज़न कोई डेफिशिएंसीज भी होती हैं, तो वो टेस्ट भी करवाने चाहिए, बट ये मुद्राएं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो पहले, सबसे पहले जो मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा। अब प्राण मुद्रा में क्या होता है, आपको रिंग फिंगर और जो लिटिल फिंगर है हमारी, सबसे छोटी फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, उसको आपको इस तरह से अपने जो थंब की उसको टच करना है, आपको टिप को टच करना है, और आपको इस तरह से बैठना है 10 से 12 मिनट। गहरी गहरी सांसें आपको साथ में लेनी हैं। तो ये क्या करती है मुद्रा, जो हमारे स्कैल्प है उसके, उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है। अब बहुत बार आपको, अगर आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्ट करते हैं तो वो भी आपको ऐसे सीरम्स देते हैं लगाने के लिए बालों में, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो स्कैल्प में और जो बाल वापस ग्रो करना शुरू हो जाए। तो ये मुद्रा का काम है कि अगर आप ये मुद्रा में कम से कम रोज़ 10 से 12 मिनट बैठते हैं, इसी तरह से ये दो रिंग फिंगर को और सबसे छोटी फिंगर लिटिल फिंगर को पकड़ के इस तरह से थंब से आपको पकड़ना है, अगर आप ऐसे बैठते हैं तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प की स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी जो बाल स्ट्रांग हो जाएंगे, रूट स्ट्रांग हो जाएंगी, और आपके जो बाल हैं वो, उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी और झड़ना बंद कर जाएंगे। जिनके झड़ रहे हैं बाल उनके एकदम से जो बाल हैं वो झड़ना कम हो जाएंगे, आपका मूलाधार चक्रा साथ में स्ट्रांग होगा, जो रूट कॉज है आपके बालों के झड़ने का, जो जड़ है बालों की झड़ने की, वो जो है वो मूल रूप से ख़त्म हो जाएगी, वो एकदम इंटायरली ख़त्म हो जाएगा और बाल जो झड़ना है वो कुछ ही देर में बंद हो जाएंगे। अब जो दूसरी मुद्रा वो है चिन मुद्रा। अब चिन मुद्रा में आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स फिंगर और उसके जो साथ की फिंगर है, ये जो थंब के साथ हमारी जो पहली दो फिंगर्स आती हैं, आपको इनको पकड़ना है, थंब से इनको टच करना है, ये पॉइंट्स को टच करना है, इनके टिप को जो टच करना है, आपको इस तरह से 10 से 12 मिनट बैठना है। ये उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जिनको बॉल्डनेस की प्रॉब्लम आ रही है, जिनको गंजापन बेसिकली लग रहा है, कि कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि बाल ख़त्म होने शुरू हो गए हैं, गंज सी दिखने शुरू हो गई है, या आपको लग रहा है बाल हेयर थिनिंग हो रही है, कि बाल बहुत पतले हो गए हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है कि आपको गंजापन आप में आ रहा है, या बाल एकदम से झड़ रहे हैं, या बाल बहुत पतले हो गए हैं, तो आपको ये मुद्रा में इस तरह से ये थंब को, आपको ये दो पॉइंट्स जो है टिप है इनकी, इनको टच करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो जो बाल जो है वो डैमेज नहीं होंगे, वापस से जो रीग्रोथ है बालों की वो शुरू हो जाएगी, वापस से जो बाल हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। तो ये मुद्रा भी आपको 10 से 12 मिनट इस तरह से बैठना है, और आप नोटिस करेंगे बहुत जल्दी ही आपके, ऑब्वियसली अगर बॉल्डनेस बहुत पुरानी है, गंजापन बहुत पुराना है तो टाइम लगेगा, बट ये एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। तो अगर आप इसको इस तरह से करते हैं, दोनों फिंगर्स को, ये पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, मुद्रा में बैठते हैं 10 से 12 मिनट, आपको कुछ महीनों में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। ये है चिन मुद्रा। अब मैं एक मुद्रा के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है पृथ्वी मुद्रा। ये क्या है,
इसमें जो आपकी रिंग फिंगर है, जहाँ हम रिंग पहनते हैं, जो रिंग फिंगर है, इसको आपके जो ये सेंटर, जो लिटिल फिंगर के साथ, सबसे छोटी फिंगर के साथ वाली फिंगर है, इसकी टिप टिप को आपने, जो इसकी यहाँ पर शुरुआत है, टिप को प्रेस करना है। इससे क्या होता है, बहुत बार लोगों में प्री मच्योर ग्रेइंग होती है कि बहुत जल्दी बाल ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चों में बहुत जल्दी, आजकल आप छोटे बच्चों में भी देखेंगे कि बाल बहुत जल्दी सफ़ेद यानी कि ग्रे होने शुरू हो गए हैं। तो अगर ये मुद्रा आप करते हैं तो बहुत जल्दी बाल रुक जाते हैं, ग्रे नहीं होते हैं और जो रूट्स हैं बालों की वो स्ट्रांग होती है। तो 10 से 12 मिनट आपने जो रिंग फिंगर के टिप को इस तरह से प्रेस करना है और इस मुद्रा में आपको हर रोज 10 से 12 मिनट बैठना है और इसको लगातार कुछ महीने तक करिए। तो जिनके बहुत जल्दी ग्रे होने शुरू हो रहे हैं उनको भी फ़र्क पड़ेगा, कंट्रोल हो जाएंगे, या जिनके बहुत ज़्यादा हो गए हैं सफ़ेद उनकी भी जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे, जो बाल हैं आपके हेल्दी रहेंगे, शाइनी रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। अब दूसरा क्या है, एक्यूप्रेशर पॉइंट। जब आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ये एरिया में, यहाँ पर ये एरिया में आप दो ये जो पॉइंट्स हैं ये हड्डी के यहाँ पर, आप इसको जब टच करते हैं, आपको कम से कम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पॉइंट्स को टच कीजिए और 20 काउंट कीजिए, 1, 2, 3 इस तरह से 20 काउंट कीजिए और इसको आप प्रेस करिए। फिर 10 टाइम्स इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाना है, 10 टाइम्स आपको इसको एंटी क्लॉक घुमाना है। इससे भी क्या होगा कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है, आपके बाल मजबूत होंगे, बालों की झड़ने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, रूट कॉज से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और रूट कॉज हील हो जाएगा, जो जड़ की वो हील हो जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। तो ये टेक्निक्स अगर आप फॉलो करते हैं कुछ महीने, ये मुद्राएं अगर आप फॉलो करते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपके जो बालों की जो समस्या जो आजकल बहुत ही कॉमन है, जो हम सब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत जल्दी आपको इसमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे आपको लगी ये वीडियो और किस तरह से ये वीडियो ने आपकी मदद की। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।